بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ناظرين كرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں آپ نے تکبر کی ہولناکیاں سنی. آج ہماری گفتگو کا محور ہے کہ تکبر انسان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کرواتا ہے. ایک مسلمان کو تکبر سے بچنا چاہیے. آج ہماری گفتگو کا محور ہے تکبر کی ہولناکی، اور ایک مسلمان تکبر سے کس طرح بچ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، تکبر بھی میری چادر ہے اور عظمت و جلالت بھی میری چادر ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، کسی نے تکبر کیا، کسی نے تکبر اور عظمت ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے لینا چاہا، قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پھینکتا ہوں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، القیتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اہل النار کل جعظری جواظ جواظ مستکبر جماع مناع. جہنمیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تکبر کرنے والا بھی جہنمی ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الزر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو جمع کیا جائے گا چیونٹیوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، اور شکلیں ان کی انسانوں کی ہوں گی. ہر طرف سے ان پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور ان کو ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا جہنم کی جیل کی طرف، جس کو بولس کہا گیا ہے، جس پہ سب سے سخت ترین آگ کو چھوڑ دیا جائے گا. اور جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ ان کو پلائی جائے گی. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور تکبر کی ادنا شکل سے بھی ہمیں دور فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا
अला उखबिरुकुम बि अहलिल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नतियों के बारे में ना खबर दूं। कुल्लु ज़ईफ मुतज़ाफ लो अक्सम अल्लाह लअबर्रा, ऐसा कमज़ोर इंसान जिसको कमज़ोर समझा जाता है उसकी शराफत की वजह से, और अल्लाह ताला के साथ उसका ताल्लुक इतना मजबूत है कि वो जब वो कसम उठा ले तो मालिकुल मुल्क उसकी कसम को पूरा फरमा देते हैं। अला उखबिरुकुम बि अहले नार, मैं तुम्हें इस बात की खबर न दूं कि जहन्नमी कौन है। कुल उतुल्ली जवाब जावरी मुस्तकबिर, जो शख्स दीन इस्लाम में सरकशी दिखाता है वो सरकश, वो गालियां देने वाला, फहश गोई करने वाला, तकब्बुराना गुफ्तगू करने वाला, तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। नाज़रीन किराम, लम्हा फिक्रिया है। एक शख्स दुनिया में तो चले और बाजू खोल खोल के अकड़ कर, और ये समझते हुए कि पता नहीं मैं क्या चीज हूं, हालांकि क्या चीज है। अल्लाह के सामने इज्जो इनकिसारी को पसंद न करे, बल्कि समझता हो कि मैं न जाने दुनिया को सर कर लूंगा और कयामत को चींटियों के शक्ल में दुनिया के पांव तले रौंदा जाए। सौदा तो देखिए, फैसला तो देखिए। एक तरफ दुनिया में तवाज़ो के साथ चलने वाला बिलाल भी है रज़ियल्लाहु अन्हु, चलते जमीन पे हैं, उनके कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। और एक तरफ अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला चलता जमीन पे अकड़ के है, और कयामत को दुनिया के कदमों तले रौंदा जाएगा, जेल में कैद किया जाएगा और उस पे सख्त तरीन आग छोड़ दी जाएगी, चढ़ जाएगी, सख्त तरीन आग उस पे चढ़ जाएगी, और जहन्नमियों का खून और पीप उसको पिलाया जाएगा। आज ये वक्त है कि एक इंसान अपने आप को संभाल ले, अल्लाह के अजाब से बचा ले, तकब्बुर से बच जाए, न तकब्बुराना गुफ्तगू करे, न तकब्बुराना चाल चले, न तकब्बुराना दावे करे, बल्कि इज्ज़ो इनकिसारी तवाज़ो इख्तियार करे। अल्लाह मालिकुल मुल्क उसको दुनिया में भी इज्जत देगा और उखरवी इज्जतों से भी नवाजेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवाज़ा अलिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो शख्स तवाज़ो इख्तियार करता है, जितना वो तवाज़ो इख्तियार करता है उतना ही मालिकुल मुल्क उसको बुलंद फरमाते हैं। और याद रखना, जिस दरख्त को फल लग जाता है उसकी टहनियाँ झुक जाती हैं और लोग उसके फल को तोड़ लेते हैं, और जिस दरख्त पे फल न लगे उसकी टहनियाँ झुकती नहीं। इल्म वाला, फहमो बसीरत वाला वो है जो इस दरख्त की तरह बनता है जिसकी टहनियाँ झुक जाती हैं, उसकी छाँव में लोग आराम करते हैं और उसके फल से मुस्तफीद होते हैं, और वो दरख्त जिसको फल नहीं लगता वो झुकता नहीं है। ऐसे दरख्तों को हमेशा काट कर बेचा जाता है और ख़रीदने वाला भी उसके टुकड़े करता है और आखिर आग जलाने के काम आता है। और फलदार दरख्त के लिए एक नहीं, कई कई नौकर, कई कई लोग उस दरख्त की खिदमत में लग जाते हैं। कोई पानी दे रहा है, कोई उसकी कांट छांट कर रहा है। आज वक्त है, तवाज़ो इख्तियार कर लो, अल्लाह मालिकुल मुल्क मुकाम और मर्तबा भी देंगे
और दुनिया को तुम्हारी खिदमत पे लगा देंगे। और अगर तकब्बुर किया तो याद रखना, इस तकब्बुर की वजह से दुनिया में भी जिल्लत है और कयामत के दिन की जिल्लत से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। जिसका तज़किरा आपने सुना वो बहुत बड़ी जिल्लत है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सबको मुतवाज़े बनाए और हर किस्म के तकब्बुर से दूर फरमाए, ताकि हम उखरवी नदामतों से और जिल्लतों से महफूज हो सकें। नाज़रीन किराम, अभी चंद लम्हात का वक्फा होगा, वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन किराम, वक्फे से पहले हम ये बात कर रहे थे कि एक मुसलमान को तवाज़ो इख्तियार करनी चाहिए और तकब्बुर से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, मन फारक़ अर्रूह जसद व हुव बरीउ मिन सलास दखल अल्जन्ना। जिस शख्स के जिस्म से जान निकल जाए, जिस शख्स के जिस्म से रूह निकल जाए और वो तीन चीजों से बरी हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। अल-किबरु वद-दैनु वल-गुलूलु, तकब्बुर से बरी हो, कर्ज से बरी हो, वल-गुलूलु और धोखे और फ्रॉड से बरी हो। इन तीन चीजों की मौजूदगी में बहुत मुश्किल मामला है, और अगर इन तीन चीज़ों से बचा जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़ुबान बयान कर रही है, इंसान जन्नत में जाएगा। और अगर नहीं बचता तो सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, यख्रुजु उनुकुन नार यौम अल-क़ियामा, क़ियामत के दिन जहन्नम की गर्दन नजर आएगी, लहू आइनान युबसिरान, दो आंखें उसकी होंगी जिससे वो देख रही होगी, व उज़ुनान यस्मआन, और दो कान होंगे जिससे सुन रही होगी, व लिसानुन यंतिक, और उसको जुबान दी जाएगी, उसकी जुबान होगी जिससे वो बोलेगी, यकूल और कहेगी, इन्नी वुक्किल तो भी सलासा बिकुल्ली जब्बारिन अनीद वलिकुल्ली मन दआ मअल्लाहि इलाहन आखर, आज मुझे इस बात पे मुकर्रर किया गया है, जो अपने आप को जाबिर समझता है, तकब्बुर करता है और दीन से बुग्ज़ और इनाद रखता है और शिर्क करता है, आज मैं उसको सबक सिखाऊंगी। अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सब पे रहमत का नुज़ूल फरमाए और हमारी गलतियों कोताहियों को मुआफ़ फरमाए और हमें इस जहन्नम के अज़ाब से बचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तकब्बुर से बचने के कुछ तरीक़े बयान किए हैं। सबसे पहला तरीक़ा, अबू हुरैरा رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما استكبر من اکل معه خادمه، جو شخص اپنے خادم کو، اپنی متحتی میں کام کرنے والے کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوگا۔ ورکب الحمار بالاسواق، اور جو بازاروں میں گدے پہ سوار ہو کے جاتا ہے تکبر نہیں کرے گا۔ واعتقل الشاہ فحلبها، اپنی بکری کو باندھتا ہے اور خود ہی دودھ دھو لیتا ہے، یہ تکبر نہیں کرے گا۔ یہ تواضع کی شکلیں ہیں کہ ایک انسان خادم کو
मतहती में काम करने वाले को अपने साथ बिठा के खा रहा है, अपने साथ बिठा के खाना खिला रहा है, उसको भी इंसान समझता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा रिवायत करते हैं, कान युक्सिरु ज़िक्र, आपकी आदत मुबारक थी, आप कसरत से जिक्र किया करते हैं। वयुकिल्लु लगु, लगु बातें नहीं किया करते थे। वयुतीलु सला, नमाज को लंबा करते। वयक्सुरु खुतबा, और खुतबा मुख्तसर करते। वकान ला यानफ वला यस्तकबिर, आप सरताज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर नहीं किया करते थे। كان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته, आप इस बात में ऐब और तकब्बुर नहीं समझते थे कि वो किसी बेवा के साथ, वो किसी मिस्कीन के साथ और अरामिल के साथ चले और उनकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया। हसन बसरी रहमतुल्लाह अली बयान करते हैं, अस्सुजूदु युज़हिबु बिल्किबर, तकब्बुर कसरत से सजदे करने की वजह से ख़त्म हो जाता है। वत्तौहीदु युज़हिब बिर्रिया, और तौहीद जब इंसान इख्तियार कर लेता है, जितना तौहीद में पुख्ता होगा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करने वाला ज़ुबान से, दिल से, अमल से, उतना ही वो रियाकारी से दूर होगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु रआ रजुलन यख्तालु फी मिशयतिही ويجر إزارة فقال إن للشيطان إخوانا, एक आदमी को देखा वो अपनी चाल में तकबर कर रहा था, वो फख्रिया चाल चल रहा था और अपनी चादर को घसीट रहा था, तो देख कर फरमाने लगे शैतान के भी कुछ भाई हैं। तो एक मुसलमान को ये बात समझनी चाहिए। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मा असफल मिनल कअबैन मिनल इज़ार फफिन नार, जिस शख्स ने अपनी चादर, ये जो कुछ पहनता है, अपने टखनों से नीचे रखी, अगर तौबा न की और इसी हालत में अल्लाह के पास चला गया, तो ये हिस्सा उसका जहन्नम में जाए। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसलिए फरमाया करते, मा दखल क़ल्ब इम्रिइन शैउन मिनल किबर क़त इल्ला नक़स मिन अक़्लिही बिक़द्रि मा दखल मिन ज़ालिका क़ल्ल औ कसर, जिस शख्स के दिल में तकब्बुर आ जाए, जितना तकब्बुर आता है उतनी उसकी अकल ज़ाया हो जाती है। थोड़ा तकब्बुर हो तो थोड़ी अकल ज़ाया होगी, और जो इंसान अपने आप को मुतकब्बिर कहने में भी खुशी महसूस करता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और बाज नहीं आता, उतना ही वह बेअक़ल होता है। वहब इब्न मुनब्बिह बयान करते हैं, लम्मा खलक अल्लाह जन्नत अदनिन, जब अल्लाह ताला ने जन्नत आदन बनाई, नज़र इलैहा, और उस जन्नत की तरफ देखकर फरमाया, फ़क़ाल अंती हरामुन अला कुल्ली मुतकब्बिर, तुम हर मुतकब्बिर तकब्बुर करने वाले पर हराम हो, यानी तकब्बुर करने वाला जन्नत से महरूम है। अब्दुल्लाह इब्न हुबैरा बयान करते हैं, अन्न सलमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सुइल अनिस सय्यिअ अल्लती ला तन्फ़ु मअहा हसना
قال الكبر. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی برائی ہے، وہ کون سی معصیت ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی نفع نہیں دیتی؟ تو انہوں نے جواب دیا، وہ تکبر ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. سأصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق. اسی لیے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارکان الکفر اربعہ، الکبر والحسد والغضب والشہوہ. کفر کے چار ارکان ہیں، تکبر، حسد اور غضب غصہ اور شہوت کی پیروی. ان چار چیزوں پہ انسان، ان چار چیزوں سے بچ جائے تو انسان اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، اور اگر ان چار چیزوں پہ کنٹرول نہیں، ان سے بچتا نہیں، تو پھر وہ اللہ کی نافرمانوں میں شامل ہو جائے گا. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، مالک الملک اپنے خصوصی رحمت کا نزول فرمائے اور ہم سب کو ہر قسم کے تکبر سے محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.